आज मैं जा रहा हूँ गोल मार्केट की तरफ, और नाजमाबाद गोल मार्केट में एक ऐसा बारबेक्यू वाला है कि जो लच्छेदार पराठे होते हैं उस लच्छेदार पराठों में रोल बनाकर देता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और आइए चलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या सुविधा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन एक्सप्लोर पी के से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल मार्केट में, और गोल मार्केट में यहाँ पर बहुत ही यूनिक किस्म के रोल मिलते हैं, और आज तक आपने देखे नहीं होंगे। उमूमन ऐसा होता है कि जो पूरी पराठा होता है उसके रोल बनाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। जो लच्छे वाले पराठे होते हैं जो उमूमन कोटावाल के होटल में मिलते हैं, उसके लच्छे वाले पराठे के रोल, तो आइए हम आपको चेक कराते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं और इसका क्या ज़ायक़ा है। आइए चलते हैं जी। अच्छा जी, हम यहाँ जाते हैं। ये जो इस प्रिंस स्नैक जो है, इसके जो ओनर हैं रामेश साहब, तो रामेश साहब के पास मैं आया हूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रामेश साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई मैं ख़ास तौर पे आया हूँ यहाँ पर प्रिंस स्नैक पे, के जो आप एक अनोखा किस्म का जो पराठा है जी, वो यहाँ पर आप बेच रहे हैं, तो मैंने तो पूरी कराची में नहीं देखा इस तरह का पराठा, तो थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में, इस चीज़ की। ये हमारे वालिद साहब के ज़माने से है, काम कर रहे हैं जब से, और अब माशाल्लाह चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। और यहाँ की जो हमारे पास, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इस पूरे इलाके में, बहुत सारे लोग हैं वो बेच रहे हैं इस पूरी पराठे में, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये कि हम इस पराठे में रोल बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली जो आइडिया आया वो किसके जहन में आया? वालिद साहब ने कुछ सोचा क्या, कुछ आइडिया दर से बताए कि बेसिक आइडिया होता है ज़रा बताएं। हाँ सही कह रहे हैं, बहुत पुरानी से चलता हुआ आ रहा है। जब रोल शुरू किए थे ना हमने यहाँ पे, कहीं भी रोल्स वगैरह इतने आम नहीं थे, इतने रोल्स नहीं बनते थे। जब फिर शुरू किया पापा ने, वालिद साहब ने शुरू किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस इलाके में, चल रहा है जब से, माशाल्लाह। यानी रामेश साहब ने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है हमें यहाँ की, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। हम इसको वैसे तो अमूमन मैं यहाँ पर आता हूँ और खाते भी रहता हूँ इसे प्रिंस स्नैक से, लेकिन आज मैं स्पेशली है कि आपके लिए थोड़ा चेक करके फिर आपको बताता हूँ कि क्या सूरत है। आइए चलते हैं फिर इनके जो इंडोर है वहाँ पर। आइए, यहाँ पर ये अंदर सेटिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पर बैठ के आप इत्मीनान से जो है फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं, और यहाँ बैठ के आप आराम से डिनर करें। ठीक, ओके। अच्छा, ये जो गोल मार्केट का जो ये इलाका है, ये समझ लें कि जो गोल मार्केट में जो कराची से बाहर के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक मार्केट है, वाकई में ये गोल है, तो इसको गोल मार्केट कहते हैं। तो गोल मार्केट से थोड़ा सा हटके एक चौक है, उस चौक पर आपको काफ़ी सारे फूड्स वाले मिलेंगे। इसमें प्रिंस स्नैक्स है, सुल्तान फूड है, इसी तरह बाबू बर्गर वाला भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप आएँ तो बहुत ही इकोनॉमिकल जो है आपको खाना मिल जाएगा। तो आज हम आए हैं प्रिंस स्नैक का जो रोल है उसको चेक करने के लिए, तो वो चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, तो व्यूअर्स हमारा ये रोल आ गया है, और ये रोल आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बेहतरीन किस्म का। इसके अंदर देखें आप, बिहारी बोटी जो है पूरी एक सीख मौजूद है, और उसके साथ प्याज है और चटनी है, और ये लच्छेदार पराठा है, इसको इस तरह से रोल करके उन्होंने कागज़ में लपेट के दिया है। और ये समझ लें कि इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है कि एक आदमी जो है पूरी तरह इसको खा ले। तो ये मैं आपको चेक करता हूँ, चेक करके बताता हूँ। ये चटनी ली है मैंने, प्याज इसके अंदर मौजूद है। आप ये समझिए कि एक यूनिक किस्म की चीज़ है ये, जो लच्छेदार पराठे के अंदर आप
बिहारी बोटी की पूरी लेयर है, उसके साथ आप खा रहे हैं, बहुत बेहतरीन मज़ा दे रही है। और चटनी भी बहुत ज़बरदस्त है, जो हरी चटनी होती है पुदीने और हरी मिर्च की जो चटनी होती है वो बहुत मज़ा दे रही है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो प्रिंस स्नैक है, यहाँ पर सिर्फ ये रोल नहीं बल्कि इनका पूरा सेटअप है, बारबेक्यू का सेटअप है, इनका जो है वो फास्ट फूड है उसका भी सेटअप मौजूद है। और ये यहाँ मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी कि जो चपाती वाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चपाती बना रहा है, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। वो बहुत यहाँ पर खड़े होकर देखें तो बहुत एक तरह से मज़ा आता है, जो एनवायरनमेंट है और सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, खाने पीने का जो सेटअप है यहाँ पर, टेबल चेयर्स लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो रोल हमने खा लिया है और हम तकरीबन पेट भर गया है हमारा। और मेरे साथ आज चूँकि मेज़बान मेरे जो है वो इब्राहिम साहब थे। इब्राहिम साहब आज ही अभी थोड़ा सा दिखा दीजिए, इब्राहिम साहब आज मेरे साथ थे तो हम दोनों ने मिलके आज डिनर किया है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि गोल मार्केट में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही था और आपसे उम्मीद है कि मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।